भारत माता की। अरे ऐसे क्या बोलते हैं भाई, आवाज यहां से लालू जहां पर हो वहां पहुंचनी चाहिए। जोर से बोलिए भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी का के प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगल पांडे जी, मंच के अध्यक्ष श्री श्याम प्रकाश केसरी जी, प्रदेश के महामंत्री श्रीमान सुधीर शर्मा जी, जिले के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री सुरेश सिंह जी, श्री गणेश मिश्रा जी, श्री संतोष श्रीवास्तव जी, श्री श्याम कुमार मुन्नू जी और यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री विश्वेश्वर ओझा जी। और आज इस सभा में इतनी चिलचिलाती धूप में आ रहे हुए प्यारे भाइयों बहनों और प्यारे युवा मित्रों, 12 तारीख को बिहार में चुनाव मतदान की शुरुआत हो चुकी है, 16 तारीख को भी चुनाव हुआ और अब 28 तारीख को भी चुनाव होने जा रहा है। मित्रों, मैं पूरे बिहार में घूम घाम कर आज यहाँ पर पहुंचा हूं। मैं सीमांचल भी गया, पटना भी गया, आरा में भी आया हूं, बाकी सब जगह पे गया। एक बात मैंने देखी है कि इस बार बिहार में परिवर्तन की लहर चल रही है। ये चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए बिहार के मतदाताओं ने संकल्प कर दिया है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चुनाव का परिणाम सामने की दीवार पर लिखा हुआ पढ़ाई पड़ता है कि इस चुनाव के परिणाम में भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत से सरकार बनने जा रही है। तो 2/3 सवाल वो नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे बनेगी, सवाल ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हो बिहार के अंदर, बिहार के विकास की नींव डालने का काम होता हो और बिहार में 8 तारीख को पटना में भारत माता की मूर्ति पर बहुत सारे कमल की एक माला चढ़ती हो, उस वक्त आप यहां से एक कमल देके भाई विश्वेश्वर ओझा को भी विधायक बनाकर पटना भेजिए, ये कहने के लिए गया। मित्रों, अब समय आ गया है, बिहार में भी विकास होना चाहिए, बिहार को भी आगे बढ़ना चाहिए। हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां वहां विकास हुआ है, मगर ये विकास बिहार में नहीं पहुंचा है। मित्रों, बिहार के पास सब कुछ, बिहार के ऊपर माँ गंगा की कृपा है, बहुत सारा पानी है, इतनी फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ भूमि है कि पूरे देश की भूख मांगने की ताकत ये बिहार की भूमि में पड़ी है। मित्रों, बिहार बिहार का युवा मेहनत का युवा है। आप अरे ओ भाई, ओ पुलिस वाले भाई, आप जरा सब इस ओर आ जाइए, वहां घूमने घामने की जगह काम काम दंगा कराओगे, जरा इस ओर आ जाओ। बिहार के अंदर जहां जहां बस बस भैया, जहां जहां देश में विकास हुआ है उसकी नींव में देखिए, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, गुजरात हो, या दिल्ली या महाराष्ट्र,
जहां जहां समृद्धि आई है, विकास हुआ है, उसकी नींव में बिहार के युवा का पसीना है मित्रों, बिहार के युवा का पसीना। अगर बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस बिहार के युवा ने पूरे देश को समृद्धि दिलाई, वो बिहार का युवा बिहार को समृद्ध नहीं कर पाया। जिस बिहार के युवा की मेगा ने, उसकी बुद्धि ने पूरे देश को यश दिलाया, वो बिहार को यश नहीं दिला पाया, क्योंकि यहाँ शासन ठीक नहीं चला। मित्रों, इस बिहार में बिहार की जनता ने, मुझे बताइए, आप लोगों ने 35 साल तक कांग्रेस को मौका दिया या नहीं दिया, बताइए? दिया। 15 साल लालू जी को मौका दिया, 10 साल नीतीश को मौका दिया, बिहार में विकास आया है क्या? हर गांव में बिजली पहुंची है? कोई गरीब बेटे की मां बीमार है और 108 नंबर का बटन दबाता है तो एम्बुलेंस 10 मिनट के अंदर पहुंचता है क्या? पहुंचता है? लाखों करोड़ों के कारखाने लगते हैं क्या? रोजगारी मिलती है क्या? मित्रों, जिन लोगों को आपने 60 साल तक शासन करने का मौका दिया, उन्होंने बिहार का हाल ये किया कि पढ़ाई, दवाई और कमाई तीनों के लिए युवाओं को बाहर जाने पड़ता है, ये लोग विकास नहीं कर पाए। मैं आपको कहने आया हूं कि एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, एक मौका नरेंद्र मोदी को दे दीजिए, 5 साल में हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे मित्रों, नंबर 1 राज्य बनाकर। और जब हम कहते हैं, जब हम कहते हैं कि नंबर 1 राज्य बनाकर छोड़ेंगे, तो हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुई, वहां परिस्थिति बदली है, वहां सुख आया है, विकास हुआ है। अब छत्तीसगढ़ को देखिए, मध्य प्रदेश को देखिए, राजस्थान को देखिए, गोवा को देखिए, वहां विकास हुआ है, वहां विकास हुआ है। अरे ये सब छोड़िए, झारखंड में तो अभी 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और 1 साल के अंदर झारखंड की स्थिति काफी बदली है। दुनिया में वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक सर्वे होता है कि पूरे देश में कहां पर धंधा लगने के लिए अच्छी व्यवस्था है, इंडस्ट्री डालने के लिए अच्छी व्यवस्था है, इसको ईज ऑफ बिजनेस का सर्वे कहते हैं। 1 साल पहले पूरे देश का जो सर्वे हुआ, उसमें झारखंड 29वें नंबर पर था और बिहार 27वें नंबर पर था। आज 1 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो सर्वे हुआ, झारखंड 29वें नंबर से 3रे नंबर पर आ गया और बिहार 27 के 27। मित्रों, ये लालू नीतीश की जोड़ी परिवर्तन नहीं कर सकती, विकास नहीं कर सकती। अरे रहिए भैया, सुनिए सुनिए, आपको भी सुनेंगे बाद में। ये नीतीश लालू की जोड़ी विकास नहीं कर सकती। 15 साल तक लालू जी ने जो शासन दिया, वो शासन को क्या कहते थे बताओ तो भैया, जरा जोर से बोलिए। ये जंगल राज का जब समय था, पूरे बिहार में मानो जैसे आतंक छाया हुआ, हर रोज खून, डकैती, फिरौती, बलात्कार, अपहरण, कितनी कितनी घटनाएं, व्यापार और धंधा दोनों बिहार के बाहर निकल गया, दोनों बाग बिहार के बाहर निकल गए। और उस जंगल राज को हटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया, और नीतीश जी वो भी हमारे साथ थे। और बिहार की जनता ने एक जनादेश दिया कि आप दोनों मिलकर जंगल राज को हटाइए,
और भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए मौका दिया, मगर नीतीश जी ने क्या किया? जब लोकसभा के चुनाव आए तब उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण, उनके अहंकार के कारण इस सरकार को तोड़ दिया, और सरकार को तोड़कर ठीक है भाई भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नहीं रहे, क्या फर्क पड़ जाता है, मगर नीतीश जी आपने क्या किया? मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू प्रसाद यादव का समर्थन लेकर आप मुख्यमंत्री बने, लालू का समर्थन, जिस लालू को 20 साल तक बिहार के गांव-गांव में टोले-टोले में आप गाली देते रहे, जिसका विरोध करते रहे, जिस जंगल राज का विरोध करते रहे, वो लालू के साथ आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे हैं और आज बिहार की जनता के पास जनादेश मांगने आए हैं। मित्रों आप बताइए, ये नीतीश कुमार जी अपने एक कंधे पर लालू का जंगल राज और दूसरे कंधे पर कांग्रेस का भ्रष्टाचार लेकर आए हैं, विकास कर सकते हैं? कर सकते हैं विकास? मित्रों आप लोगों ने लोकसभा में मोदी जी की अपील पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। आज देश में नरेंद्र भाई की पूर्ण बहुमत की सरकार है, भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, इसका पूरा यश बिहार की जनता को जाता है, बिहार के कारण ही आज पूर्ण बहुमत की सरकार। और नरेंद्र भाई ने प्रधानमंत्री बनने के साथ ही बिहार की समस्या क्या है, बिहार की समस्या का समाधान क्या है, उसके लिए कौन सी योजना बनानी चाहिए, उसके लिए किस तरह से काम करना चाहिए, ये सारी चीजों को सोचकर एक पैकेज लेकर आए। आप मुझे बताइए कितने रुपयों का पैकेज है भैया? अरे यार युवा हो जरा जोर से बताओ, 1,65,000 करोड़ रुपयों का पैकेज ये नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बनने के बाद लेकर आए, और नीतीश जी कहते हैं कि हमें पैकेज नहीं चाहिए, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए, बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। नीतीश कुमार किस मुगालते में हो तुम, गलत फहमी में हो कि ये पैकेज नीतीश कुमार एंड कंपनी के लिए है, ये पैकेज नीतीश कुमार एंड कंपनी के लिए नहीं है, बिहार के युवाओं के लिए है, बिहार के किसानों के लिए है, बिहार की महिलाओं के लिए है। हमें आपके जैसा अहंकार नहीं, हम नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं, हम आपकी तरह नहीं सोचते। आप कहते हो कि बिहार को मदद नहीं चाहिए, अरे भाई नीतीश जी हम बिहार की मदद नहीं कर रहे, ये देश के खजाने पर बिहार की जनता का जो अधिकार है वो नरेंद्र भाई लौटाने के लिए आए हैं, ये पैकेज बिहार की जनता का अधिकार है। और आप लालू और नीतीश जी के भाषण सुनिए, आप मुझे बताइए लालू जी और नीतीश जी के भाषण आप सुनते हैं? आप मुझे बताइए नरेंद्र भाई किसकी पार्टी के नेता है भैया, मेरी पार्टी के नेता है या लालू जी की? भारतीय जनता पार्टी के नेता है ना। लालू और नीतीश के भाषण आप देख लीजिए, पूरा भाषण नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी, और कुछ नहीं बोलते हैं, इनको फोबिया हो गया है नरेंद्र मोदी का। ये कहते हैं मोदी जी की सभाएं कम हो गई,
अरे नीतीश बाबू, आप सपने में है, आप खौफ खा गए नरेंद्र मोदी से, डर गए नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी की एक भी सभा कम नहीं हुए। नरेंद्र मोदी बिहार की जनता को प्रणाम करने के लिए 23 बार बिहार की धरती पर आने वाले हैं, एक भी सभा कम नहीं हुई। ये खौफ खा गए। आप मुझे बताइए, चुनाव किसका है भाई, बिहार का है या केंद्र का है? हिसाब किसने देना चाहिए? नीतीश ने देना चाहिए ना। अब वो हमें सवाल पूछते हैं, नरेंद्र भाई ने क्या किया वो हमें पूछते हैं। अब मेरा उनसे ये कहना है कि नीतीश बाबू, जब हम 2019 में आएंगे तब हम जवाब देंगे कि हमने क्या किया है। हम तो डेढ़ ही साल के अंदर 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर आए हैं, मगर आप और लालू जवाब दीजिए, इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी 10 साल के अंदर बिहार को क्या दिया, उसका जवाब नीतीश कुमार ने देना चाहिए। 10 साल के अंदर क्या दिया मित्रों? अभी तो उनका प्रचार चल रहा है, उनका प्रचार चल रहा है, और राहुल और लालू जी कह रहे हैं राज तो मुझे ही चलाना है, अगर गलती से भी इनकी सरकार बनी तो लालू ही रिमोट कंट्रोल से राज चलाने वाले हैं। आप जान लीजिएगा, लालू ही चलाएंगे। और आज एक साल के अंदर बिहार के अंदर फिर से जंगल राज चला, चुनाव चल रहा है, केंद्रीय चुनाव आयोग की नजर है, फिर भी बिहार के अंदर 2 SP पर गोली चलाने की घटना हुई है, 2 SP पर। जो सरकार अपने पुलिस वालों को बचा नहीं सकती, वो सरकार जनता का रक्षण क्या कर सकती है? मित्रों, जनता का रक्षण क्या कर सकती है? मित्रों, आने वाले दिनों में 28 तारीख को आपने तय करना है कि बिहार में सरकार किसकी बनेगी। आप मुझे बताइए, 28 तारीख को आप भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे, भाई विश्वेश्वर को विधायक बनाएंगे? मगर आप एक बात याद रखना, कमल के निशान पर बटन ऐसे वैसे मत दबाना, कमल के निशान पर बटन ऐसे दबाना, इतने जोर से दबाना कि बटन तो यहां बिहार में दबे, उसका करंट इटाली में जाकर दबे। आप 28 तारीख को बिहार के विकास के लिए NDA का सरकार बनाएंगे, नरेंद्र भाई का हाथ मजबूत करेंगे, नरेंद्र भाई को बिहार का विकास करने के लिए मौका देंगे, तो मेरे साथ दोनों हाथ खड़े कर बोलिए, मुट्ठी बांध कर दोनों हाथ खड़ा कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम।